नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो ये चार सक्सेस स्टोरीज हैं, आप देख सकते हैं। 1, 2, 3 और 4। तो बच्चों के फिनलैंड की ये सक्सेस स्टोरीज हैं। ये रेजिडेंसी कार्ड आ चुके हैं। हम अपने ऑफिस के एड्रेस पर किसी भी स्टूडेंट्स का ये कार्ड मंगवाते नहीं हैं, बट ड्यू टू कोरियर की सर्विस ना होने के कारण कुछ जो स्टूडेंट्स हैं विलेजर्स के रहने वाले होते हैं, तो उनके कार्ड हमारे पास आते हैं। अदरवाइज हर एक स्टूडेंट, हर एक जो हमारे साथ जुड़ा हुआ डिपेंडेंट है, तो उनका कभी भी किसी भी कंट्री का कोई भी वीज़ा ग्रांट होता है तो आइदर स्टूडेंट अपने लेवल पर कलेक्ट करता है या उसके होम एड्रेस पर उसकी डिलीवरी होती है। हमारे पास हर एक चीज़ ओपन है। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड में स्टडी की है, आप अपनी स्पाउस के साथ डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, आपके पास करंट फंड्स हैं, फंड ओल्ड नहीं है, ये सारे के सारे जो प्रोविज़न है फिनलैंड में एक्सेप्टेबल है। तो फिनलैंड का जो माइनर इंटेक है, जिसको हम जेन इंटेक कहते हैं 2025, उनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। स्पेशली वो स्टूडेंट हमें ज़रूर संपर्क करें जिन्होंने GNM इंडिया से की हुई है, जो या BSc की हुई है, जो अपना फर्दर कैरियर फिनलैंड में एज ए नर्स बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए टॉपअप BSc नर्सिंग प्रोग्राम है, उसका पोर्टल एक दिन के लिए ही ओपन होगा। तो उसको आप एज अर्ली एज पॉसिबल अप्लाई करें। वो 1 अगस्त को ही ओपन होगा और शाम को क्लोज़ हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारी जो नर्सेज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अगर आप भी नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, या आपका कोई फ्रेंड जो नर्सिंग में अपना कैरियर यूरोपियन कंट्रीज़ में बनाना चाहता है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो इनको भी वन बाई वन ओपन करेंगे और एक जनरल डिस्कशन भी करेंगे। तो फिनलैंड में आपने बैचलर, मास्टर, PG डिप्लोमा, वोकेशनल जैसे फ्री ट्रेनिंग्स, जो टीचर ट्रेनिंग्स रहती है उसमें, इवन पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं कि फिनलैंड में बच्चा अपनी स्कूलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकता है। उसके ऊपर हमारी R&D जो टीम है वो पूरी की पूरी लगी हुई है। जिस दिन हमारे पास वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसको भी मैं इस चैनल के ऊपर डालूंगा और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इवन फिनलैंड से रिलेटेड हमारी 2 प्लेलिस्टें भी हैं, उसके स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड, दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। वहाँ जाकर फिनलैंड की आप नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। फिनलैंड में आपका एडमिशन रिजेक्टेड है नंबर ऑफ टाइम्स, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपकी प्रोफाइल वीक है, एडमिशन नहीं आ पा रहा है, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपके प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, आप PG डिप्लोमा में जा रहे हैं, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसमें भी हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। फिनलैंड में अगर आपने जाना है तो मैं हर एक स्टूडेंट को यही बताऊंगा कि मिनिमम से मिनिमम फीसें लगाकर जाने की कोशिश करें। इधर उधर सुने हुए, उनसे पूछ लिया, इससे पूछ लिया, हमारी वीडियोस देखने के बाद और भी बहुत सारे कंसल्टेंट इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। इवन फिनलैंड नहीं, जर्मनी को भी प्रमोट कर रहे हैं। शेंगेन की 29 कंट्रीज हैं, दैट इज़ ऑन अवर फिंगर्स। तो वो अगर आपको उनका भी नॉलेज लेना है, आप कहते हैं कि मैंने फिनलैंड नहीं जाना, अनदर शेंगेन कंट्री में जाना है, हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। उन प्लेलिस्टों को ज़रूर वॉच करें बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। मोटिवेशन से बचें, ये जो मैं वीज़ा दिखाता हूँ इनके मोटिवेशन से भी बचें। स्पेशली कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें, उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड, कि उस कंसल्टेंट को उसके बारे में कितनी नॉलेज है। इवन उससे जाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, फिनलैंड से रिलेटेड अगर फिनलैंड में जाना है, जर्मनी से रिलेटेड अगर जर्मनी में जाना है, हमारी वीडियोस वॉच करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उस कंसल्टेंट को उस स्पेसिफिक कंट्री में क्या नॉलेज है। फिनलैंड एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फेवरेबल है, और शेंगेन के अंदर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 3 या 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स की फेवरेबल रहती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है, फिनलैंड भी एक ऐसी ही कंट्री है, पुर्तगाल भी है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में जो PR पॉलिसीज़ हैं या सेटलमेंट पॉलिसीज़ हैं, जहाँ पार्ट टाइम वर्क को लेकर चलें या पोस्ट स्टडी परमिट को लेकर चलें, वो सबसे ज़्यादा है अगर आप अनदर शेंगेन कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं। तो इन कंट्रीज़ में हमारी पूरी की पूरी स्पेशलाइजेशन है। हम कोई मोटिवेशंस देकर आपको नहीं भेजेंगे, मैं आपके लिए वो करूँगा, मैं आपके लिए ये करूँगा। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके एडमिशन को सिक्योर करवाना, आपके वीज़ा में पूरी हेल्प करना।
तो आपको उस कंट्री की डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। उसके बाद में किसी भी कंट्री में जाएंगे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है। और इवन मैं ये भी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि फॉरेन का कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि आपने अपने बच्चे को फ्लाइट में बिठा दिया है तो बस अभी वहाँ जाकर अपनी फीसें भी जनरेट करेगा, अपने फंड्स भी जनरेट करेगा। उन चीज़ों से बचें, आप मोटिवेशंस में ना आएँ। तो फिनलैंड में हमारे पास बहुत ही प्रोडक्ट हैं, मतलब आप हमारे पास आएंगे, आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड जाने की है, उसको हम डेफिनेटली फुलफिल करेंगे। आपकी फंड्स में प्रॉब्लम है, हाउ टू शो द फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा इन फिनलैंड, जो रेजिडेंसीज अप्लाई करनी है उसमें वी विल प्रॉपर गाइड यू। इवन इंटर फिनलैंड ने आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने हैं, उसमें भी हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप ये प्रिकॉशंस लें। तो इनको भी हम वन बाई वन खोलेंगे, इन लिफाफों को, उनके अंदर चेक करेंगे कि किस किस बच्चे के कितने कितने साल की रेजिडेंसीज आई हैं। इवन फिनलैंड में आप 6 मंथ की फ़ीस देकर 3 से 4 साल का कार्ड लेकर जा सकते हैं। अगर आपने स्पाउस के साथ जाना है, स्पाउस चाहे बैचलर करने के लिए जा रहा है चाहे मास्टर करने के लिए जा रहा है, तो स्पाउस भी फिनलैंड में अलाउ है। डिपेंडेंट बच्चे भी साथ में जा सकते हैं। इवन स्पाउस को वहाँ पर जो पार्ट टाइम है वो फुली अलाउ है, वो फुल टाइम जाकर कर सकता है। तो ये पहली रेजिडेंसी है स्टूडेंट की, इस टाइप आप देख सकते हैं। तो वन बाय वन हम निकालेंगे, ये भी 4 साल की ही बच्चे को मिली है। ए टाइप रेजिडेंसी है, ए टाइप रेजिडेंसीज के क्या बेनिफिट हैं, बी टाइप रेजिडेंसीज के क्या ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारी वीडियोस में मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये सेकंड रेजिडेंसी देख सकते हैं स्टूडेंट की है। तो इसी तरीके से हम थर्ड इनवेल्प को भी खोलेंगे। तो फिनलैंड का जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड में 4th नंबर पर स्टैंड करता है, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम। आप, मैं नहीं कह रहा, आप गूगल में सर्च करें और इवन फिनलैंड के पासपोर्ट की रैंकिंग चेक करें, उसके बाद डिसीज़न दें कि फिनलैंड में जाने के क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। तो ये बच्चे की थर्ड रेजिडेंसी परमिट है, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। फिनलैंड का आपका वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हो चुका है आपका, ड्यू टू सम लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए, जहाँ फंड्स में प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आप फिनलैंड का वीज़ा सेकंड टाइम आप कैसे अप्लाई करके ले सकते हैं, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको हेल्प कर सकती है। तो अभी अगेन डिपेंड आपके ऊपर है, आपके कंसल्टेंट के ऊपर है कि वो आपको कैसे गाइड करता है। ये थर्ड रेजिडेंसी है, ये आप देख सकते हैं 4 की 4 रेजिडेंसीज बच्चों की वन बाई वन ये आई हुई हैं। तो ये दिस इज़ अ गुड अचीवमेंट है। स्पाउस भी हैं, डिपेंडेंट बच्चों के साथ भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, सारा का सारा हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो लास्ट अभी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी शेंगन कंट्रीज़ में जाना चाहता है, मुझे जैसे फिनलैंड का नॉलेज है ऐसे सारी की सारी 29 कंट्रीज़ का नॉलेज है, वो नॉलेज हम आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।